हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे दोस्तों। बने रहिए आज का हमारे इस प्यारे से ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों आपस में दो मिक्सर का कनेक्शन कैसे होता है। मेरे सामने है दोस्तों क्राउन का 6 चैनल का इको मिक्सर है, आप इसमें देख सकते हो 6 चैनल इको मिक्सर दोस्तों। तो अभी छोटा सा मिक्सर कोई बड़ा सा मिक्सर है उसमें आपको मैं कनेक्शन करके दिखाऊँगा। ये भी क्राउन का 12 चैनल का मिक्सर है दोस्तों। आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, क्राउन KMX 12.2, जो कि स्ट्रेंजर कंपनी का जो मिक्सर आता है उसका कॉपी है दोस्तों। ये सेम कॉपी है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप दोनों मिक्सर को लाइन पर अटैच कीजिए। देखिए मैं इसको अटैच करके रखा हूँ, छोटा मिक्सर, इसमें लाइट जल रहे हैं। ये वाला मिक्सर है, इसमें भी लाइट जल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक ऑडियो जैक पिन लेना, ठीक है, ये आप जेक पिन ले लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए मैं राइट में लगा रहा हूँ, आउटपुट ले रहा हूँ छोटा मिक्सर से। आप इसमें से आउटपुट लीजिए छोटा मिक्सर से। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो जेक पिन है इसको हमको अटैच करना है। तो दोस्तों कभी भी आप माइक में अटैच मत करना, क्योंकि माइक में वॉल्यूम हाई रहता है। तो दोस्तों इसको आप हमेशा जब भी कनेक्शन करोगे तो लाइन पर लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों करना कि आपको इधर देखिए छोटा सा मिक्सर है, इसमें से आप राइट में लगाए हैं दोस्तों, राइट का वॉल्यूम खोल देना, ज़्यादा भी मत खोलना। और आप एक चैनल में मिक्सर कनेक्शन की हो तो दोस्तों सबसे पहले इस फीडर को उठा देना, इफेक्ट बंद रखना, पेन को 0 में रख देना दोस्तों, टेबल को भी 0 पर रख दीजिए और मिड को भी 0 पर रख दीजिए दोस्तों, बेस को भी आप रख दीजिए 0 पर। आपका गेन खोल देना 0 पे, ज़्यादा इससे मत खोलना। तो दोस्तों इधर एक आप मोबाइल पिन लगा लीजिए जिससे आप सॉन्ग प्ले करते हो। तो इधर भी आप सेटिंग कर लीजिए, जैसे मैं सेट करके रखा हूँ 0-0 पे, इको को बंद कर रखना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा मोबाइल पिन दोस्तों। इसको देखिए मैं जैसे इसको मैं उठा रहा हूँ, यहाँ का वॉल्यूम खोल रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं टच कर रहा हूँ तो उधर सिग्नल जा रहा है दोस्तों हमारे बड़ा मिक्सर में। देख सकते हो यहाँ पर लाइट भी ब्लिंक हो रहा है ना। तो दोस्तों आप कोई सा भी मिक्सर को इस तरह से आपस में कनेक्शन कर सकते हो। और कहीं पर लाइव प्रोग्राम में आप चला रहे हो मिक्सर, आपके पास 12 चैनल का मिक्सर है, 8 चैनल का मिक्सर है, आपको 15-16 माइक चलाना है दोस्तों, तो आप इस तरह से आपस में कनेक्शन कीजिए और बिंदास चलाइए जितना माइक चलाना है। सो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आप सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए अपने अपने लाइफ में।